तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी, दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हैलोजिनेशन पढ़ चुके हैं और फिर कॉल्ड क्लोरीनेशन पढ़ चुके हैं और नाइट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डेफिनेशन भी आता है, व्हाट डू मीन बाय हैलोजिनेशन, तो क्या लिखोगे आप, हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ अ हैलोजन ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज नोन एज हैलोजिनेशन। बोलेंगे व्हाट इज नाइट्रेशन रिएक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज नोन एज नाइट्रेशन। सबसे पहले आपको लिख के एक डेफिनेशन दे देनी है कि नाइट्रेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद बाकी फिर आपको ये बता देना है कि किस तरीके से मेरा नाइट्रेशन रिएक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन कैसे जनरेट होता है, कैसे किस तरीके से वो अटैक करता है यहाँ पे बेंजीन रिंग को, और साथ में किस तरीके से बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करते हुए प्रोटोन को रिलीज करता है, और उस प्रोटोन के साथ रिएक्शन दिखाते हुए फिर H2SO4 जो है कंसिडर्ड H2SO4 एक कैटलिस्ट है, वो रीजनरेट हो जाता है। आपको पूरा वो बताना पड़ेगा कि शॉर्ट नोट में आता है तो वहां पे पूरा मार्क, आपका जो मार्क्स है वहां पे अलॉट करा रहेगा। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो सिंपली आपको रिएक्शन दिखाना है, अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको मैकेनिज्म के साथ वहां पे दिखाना है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया कि नाइट्रेशन रिएक्शन में व्हाट इज द रोल ऑफ कंसर्ट HNO3, इट एक्ट्स एज अ बेस हियर। व्हाई इट इज अ बेस हियर, बिकॉज यहाँ पे जो कंसर्ट H2SO4 है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे भी कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4, तो इसकी प्रेजेंस में ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है, HNO3 अपना बेसिक बिहेवियर दिखाता है, इट एक्ट्स एज अ बेस हियर। ठीक है, तो ये आपको पूरा बता दिया। चलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होता है, और सल्फोनेशन में आपको मैं पूरा मैकेनिज्म भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, हर चीज का मैकेनिज्म है भी नहीं आपको, मोस्टली जो आपको बता दिया है किस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल वगैरह जनरेट होता है और वो एड होता है। ठीक है, तो द थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो है ये SO3 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तरह एक्ट करता है, मैंने आपको बता भी दिया है वहां पे, यहाँ पे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दिखाते हुए बेंजीन को अटैक करता है और सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है यहाँ पे कि जस्ट एक रिएक्शन आप लिख दो, सल्फोनेशन के बारे में मोस्टली कभी ज्यादा आता नहीं है, मोस्टली आएगा तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन आएगा, एसाइलेशन आएगा, या नाइट्रेशन हैलोजिनेशन वगैरह आपको देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो चलते हैं सीधे रिएक्शन में चलते हैं, उसके बाद हम फिडेलक्राफ्ट में चलेंगे। ठीक है, ये मेरा बेंजीन रिंग के साथ मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करती हूँ। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 के साथ रिएक्शन दिखा के ओलियम प्रोड्यूस करा जाता है, उस ओलियम को यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं सिंपली आपको तो बता देती हूँ, H2SO4 जो है ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4 के साथ SO3 का रिएक्शन से पहले ओलियम प्रोड्यूस करा जाता है, और उस ओलियम को यहाँ पे यूज करा जाता है। तो हम इसको H2SO4 लिखना है आपको, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पे लिखना है। बेसिकली जब H2SO4 रिएक्शन दिखाता है SO3 के साथ तो H2S2O7 बनता है, जिसे हम कहते हैं ओलियम कहते हैं। क्लियर है? तो इसके साथ इसका जो रिएक्शन होता है हमसे कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इंस्टेड अगर आप चाहो तो ओलियम भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इस तरीके से H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिख के आ सकते हो। साथ में जो रिएक्शन यहाँ पे बनता है, हीट हीट देना पड़ता है यहाँ पे, और ये जो कंपाउंड आपका बनता है, बेंजीन रिंग तो था ही, इसके ऊपर SO3H ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसका मतलब है मैंने बेंजीन को कन्वर्ट कर दिया है इसमें, आपको दे वैसे नहीं देते हैं, ज्यादातर नहीं दिया जाता है, फिर भी दे सकते हैं जान लो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको पता है कि प्रायोरिटी टेबल जब हम चेक करते हैं फंक्शनल ग्रुप का तो बहुत प्रायर है ये, इक्विवेलेंट टू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का इक्वल प्रायोरिटी लेता है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। आपको दे सकते हैं राइट डाउन द सल्फोनेशन के बारे में, आपको ये रिएक्शन पर पूछ सकते हैं, या फिर इस तरीके से बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये रिएक्शन है, आप इसको दिखा सकते हो, क्लियर ना? तो यहाँ पे ये जनरेट होता है, बीच में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, पहला सबसे पहले दो H2SO4 का
कॉम्बिनेशन सेम है, SO3 जनरेट हो जाता है और उसके साथ फिर जनरेट होने के बाद फिर वो अटैक करके खुद यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करता है, सल्फोनिक एसिड का, और साथ में जो H2SO4 है वो फिर एंड में, अच्छा साथ में मेरे H2O भी आएगा ना, डेफिनेट भी आएगा H2O, I'm sorry, है ना, H2SO4 है ना, H2SO4 में से आपको OH माइनस यहाँ से निकाल देने हैं, क्लियर है, SO3 अगर आ जाएगा तो ये बिल्कुल यहाँ से H2O बन के वो वहां से निकल चुका है जाके, क्लियर है। तो दिस इज माई सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन के बस ये है, बेंजीन को सल्फोनिक एसिड, सीधा H2SO4 डालो, फ्यूमिंग लिख दो, फ्यूमिंग लिख देना, जस्ट फ्यूमिंग लिख देना, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बता दिया कि हाँ फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है, ओलियम फॉर्मेशन होता है, बट आपको सिंपल H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हीट आपको देना है, आपको हीट की जरूरत पड़ती है, साथ में सीधा कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद हम सीधे चलते हैं ब्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, इजी रिएक्शन है पर थोड़ा सा आपको उसमें देखना है कि किस तरीके से बनेगा, आपको दे सकते हैं ब्रिडल क्राफ्ट तो पूरा नेम रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अगर डन हो गया है तो मैं सिर्फ करूंगी और फिर हम ब्रिडल क्राफ्ट में चलेंगे। डन है मैम। डन है, चलते हैं फोर्थ रिएक्शन। ब्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में सबसे पहले चलते हैं। अच्छा, ब्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो रिएक्शन है बेसिकली, अगर मैं कोई भी एल्किल ग्रुप को बेंजीन में अगर इंट्रोड्यूस करूंगी तो हम उसे कहते हैं अल्काइलेशन कहते हैं। मान लो मैं बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ठीक है, दैट मींस बेंजीन के ऊपर मैंने एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया, दैट इज अल्काइलेशन। मान लो बेंजीन रिंग है, उसके अंदर मैं उसके बेंजीन रिंग में मैं C2H5 डालती हूँ, इथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करती हूँ तो इथाइल बेंजीन हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो अल्काइलेशन। तो बेंजीन रिंग में एल्किल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा जाता है एंड द प्रोसेस इज ब्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। स्पेशली अगर मैं मिथाइल की बात करूं, ठीक है, अगर मिथाइल आप डालोगे तो बेसिकली हम इसमें किस तरीके का रिएक्शन, मैं आपको बताती हूँ कि बेंजीन को इक्वल तरीके से हम ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेंजीन को मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन में कैसे कन्वर्ट करें, बेंजीन को मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सेम रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हो बेंजीन टू इथाइल बेंजीन के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अल्काइलेशन रिएक्शन में। ठीक है, अच्छा, तो अगर मुझे बेंजीन को मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो मुझे ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे चाहिए CH3+। तो आप चाहे तो जनरल लिखो तो R+ या फिर CH3+ भी लिख सकते हो, R+ सबके लिए है, मिथाइल इथाइल किसी के लिए भी आप ले सकते हो, और ये जो है मिथाइल के लिए CH3+। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं, और जनरेट कैसे होते हैं अभी चलते हैं चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले बेंजीन रिंग मुझे बेंजीन लेना है, साथ में मुझे लेना है CH3Cl लेना है, क्लोरोमिथेन लेना है या फिर मिथाइल क्लोराइड लेना है। मुझे यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड लेना है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। और साथ में मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट लेना है, दैट इज एनहाइड्रस AlCl। एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पे लिया जाता है, AlCl3 भी यहाँ पे लुईस एसिड का रोल प्ले करता है, ठीक है, ओके, अच्छा। और उसके साथ जो रिएक्शन बनता है कैसे बनता है, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, और साथ में HCl बाहर आ जाता है। This is the reaction. Benzene has been converted to toluene or methyl benzene. Toluene. ठीक है,
अच्छा अब इसके रिएक्शन में क्या होता है, अगेन द सेम थिंग, ये एनहाइड्रस AlCl3 है, इसके रिएक्शन से फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो आपको अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म का हल्का सा आपको बता देती हूँ, मोस्टली फिडेलक्राफ्ट के बारे में ना ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसका नेम रिएक्शन प्रॉपर पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप वन पे चलते हैं, स्टेप वन पे अगर चलें तो क्या होता है, अगेन ये AlCl3 यहाँ पे है, तो स्टेप वन में क्या हो जाएगा, आपको ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो तीन स्टेप में हम चलते हैं, तीन स्टेप में रिएक्शन चलेगा। सबसे पहले जो AlCl3 है ये रिएक्शन दिखाएगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, और क्या बनाएगा, यहां से Cl को खींच के ले लेगा और उसको कैटायन बना देगा, तो ये बन जाता है AlCl4- + CH3+ बन जाता है। ये लुईस एसिड है, ये डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है यहाँ पे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये Cl को खींच के अपने पास ले लेता है AlCl4- और CH3+। अब ये हो गया मेरा मिथाइल कैटायन, हो गया जनरेट हो गया। क्लियर है? अच्छा अब स्टेप टू में क्या होता है, ये जो है मिथाइल ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग को, सिंपल है, इसको अटैक करेगा CH3+ जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करे हैं, वो अटैक करके क्या बनाएगा, मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा और साथ में प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन करेगा, मतलब प्रोटोन को बाहर निकाल देगा, H+ को रिलीज करेगा, ठीक है, डन है। एंड स्टेप थ्री, अगेन स्टेप थ्री में क्या होता है, ये रिएक्शन दिखाएगा AlCl4- के साथ, एक बार घर में इसे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये रिएक्शन दिखाएगा स्टेप थ्री जो है AlCl4- + H+ जो है ये AlCl3+ HCl का रिएक्शन दिखाएगा। हो गया, सब कुछ आपका डन है, आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जाके अटैक करके क्लोरोबेंजीन मिथाइल बेंजीन टोलुइन में कन्वर्ट भी हो गया, साथ में जो मेरा लुईस एसिड है वो रीजनरेट भी हो गया और HCl भी आ गया, देखो बाद, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर फ्रिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है, यूजुअली यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू टोलुइन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इस तरीके से एल्किल ग्रुप को जो इंट्रोड्यूस करा जाता है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। And the next one, last one is Friedel-Crafts acylation में चलते हैं। This is alkylation, ध्यान रहे। Alkylation का मतलब है alkyl group जुड़ जाता है, ठीक है, alkyl group जुड़ेगा। उसके बाद next आपको मैं लेके जाऊंगी acylation में। And what is acylation? Acylation में basically मेरा ketone group proper जुड़ जाता है benzene ring के ऊपर। तो कैसे जुड़ता है? ये अगर done है तो मुझे बोलो, मैं फिर दूसरे में चलेंगे। डन है, आज खत्म कर लेते हैं चैप्टर को, पूरा डन हो जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, फिफ्थ रिएक्शन, और इसे एसिटाइलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटाइलेशन भी कहा, ध्यान रखे, एसिटाइलेशन भी कहा जाता है। मैं दोनों आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है मैंने, क्या क्या हो सकता है, फ्रिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन और एसिटाइलेशन, ठीक है।
अगर एसाइलेशन है तो कौन से ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ सकता है एसाइलेशन के लिए? अगर मुझे लेना है तो मैं सिंपली आर सी ओ प्लस ग्रुप को जोड़ती हूँ, और अगर मुझे एसिटाइलेशन करना है तो सिंपली मैं सी एस थ्री सी ओ प्लस ग्रुप को यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बना के उसे अटैक करवाती हूँ। दोनों अलग सेम चीज है, बट यहाँ पे एसाइलेशन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है सीओ प्लस के साथ एसाइलेशन में। बट अगर एसिटाइलेशन की बात करें तो सिंपली खाली मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता है सी एस थ्री सी ओ प्लस। डिफरेंस बिटवीन एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन, अगर मुझे मिथाइल ग्रुप या एसिटिल ग्रुप को जोड़ना है सी एस थ्री सी ओ प्लस को जोड़ना है तो मुझे हम उसे कहेंगे फ्रिडलक्राफ्ट एसिटाइलेशन। और अगर ऑर्बिटली कोई भी ग्रुप आपको जोड़ना है एल्किल ग्रुप आर सी ओ प्लस एसिल ग्रुप, इसे कहते हैं एसिल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप कहते हैं इसको, ठीक है। ये ग्रुप का नाम है एसिल कैटायन और ये है एसिटिल कैटायन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसका एग्जांपल देके हम आगे बढ़ेंगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। चलते हैं फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में किस तरीके से चलते हैं हम। एक बेंजीन रिंग यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, लेट मी टेक अ बेंजीन रिंग हियर, साथ में मैं क्या करती हूँ CH3 एसिल क्लोराइड। ये क्या है, एसिल क्लोराइड ग्रुप है, ये एसिटिल क्लोराइड ग्रुप है। क्या लिखते हैं इसको, और कैन कॉल इट एसिटिल क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इथेनॉइल क्लोराइड। इसे हम एसिटिल क्लोराइड भी कहते हैं और इथेनॉइल क्लोराइड भी के नाम ही प्रॉपर आईपैक नेमिंग है, इथेनॉइल क्लोराइड प्रॉपर आईपैक नेमिंग, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ते हैं हम डालते हैं इथेनॉइल क्लोराइड डालते हैं और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं। ध्यान रहे एनहाइड्रस AlCl3 अगेन अल्विस एसिड, इसे जब लेते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से मैं अब इसको रब कर रही हूँ, इसका काम बन चुका है, ठीक है। इसका काम आपको पता चल गया ना कि एसाइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या डिफरेंस है। अभी आपको लास्ट में थोड़ा सा और भी बता दूंगी मैं। तो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ एसिटाइलेशन क्यों, क्योंकि मुझे इस ग्रुप को जोड़ना है, स्पेशली इस ग्रुप के लिए हम एसिटाइलेशन कहते हैं। और बाकी कोई भी ऑर्बिटरी ग्रुप, यहाँ पे मान लो मैं मिथाइल के बदले इथाइल लूंगी प्रोपाइल लूंगी, तो हम उसे एसाइलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा मेरा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन, ठीक है। एसिटाइलेशन का मतलब प्रॉपर इस ग्रुप का जोड़ना, प्रॉपर इस ग्रुप का इथेनॉइल क्लोराइड को जोड़ना, यहाँ पे ऐड करना इज एसिटाइलेशन। इसका मतलब है इसके ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, बेंजीन था CH3CO जब मैंने डाला तो ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ CH3 बनेगा, ले रहे हैं आपको दिख गया होगा। अभी आपको बताती हूँ मैं क्या बन गया, देखो आप बेंजीन टू कीटोन में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन टू पर कीटोन ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो है ना CH3CO CH3CO, ये ग्रुप CL तो निकल गया बाहर, बाकी ये ग्रुप जुड़ चुका है ऊपर और साथ में HCl भी बाहर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिटोफेनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रहे एसिटोफेनॉन। अगर ये प्रॉपर आईपैक नेमिंग नहीं है, एसिटोफेनॉन इज द कॉमन नेम। आईपैक नेमिंग हम क्या लिखेंगे इसका, यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सो वन फिनाइल इथेनोन लिखते हैं इसको। अगर मैं आईपैक नेमिंग में चलूं तो हम इसे लिखेंगे वन फिनाइल इथेनोन लिखते हैं, वन फिनाइल इथेनोन, दो कार्बन वाला कीटोन है, इथेनोन हो जाएगा। बट मोस्टली क्वेश्चन अगर आता है तो बेंजीन को एसिटोफेनोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा, कन्वर्ट बेंजीन टू एसिटोफेनोन, क्लियर है, ओके। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेंजीन ले लेना है, बेंजीन कंपाउंड लेना है आपको,
साथ में CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड आपको ऐड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दिस लुईस एसिड, रिएक्शन सीधा बनेगा और Cl को रिमूव करके बाकी जो CH3CO ग्रुप है इसको इस तरीके से जोड़ देना है बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर सबसे C डबल बॉन्ड वो पहले लिखना है फिर CH3 लिखना है। दिस इज माय एसिटोफेनॉल, ठीक है। अच्छा इसके इसमें भी क्या होता है, वही होता है मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको बता देती हूँ मैं। क्या होगा स्टेप वन, क्या होगा ये AlCl3 है, ये रिएक्शन दिखाएगा इसके साथ पूरे के साथ और क्या बनाएगा Cl को वो विद्रॉ कर लेगा, यहां से Cl को वो खींच के ले जाएगा एंड बी कन्वर्टेड इनटू AlCl4-। और ये क्या बन जाएगा, ये कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, CS3CO+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CS3CO+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दिस इज फॉर दिस इज माई एसिटिल कैटायन। एसिटिल आयन भी बोल सकते हो आप इसको। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर। ये फिर अटैक करता है बेंजीन को, ठीक है। एंड स्टेप टू में चलते हैं। देख रहे हो आप ये एसिटिल कैटायन मैंने आपको बता दिया है एसिटिल आयन है, तो आप चाहे तो इस सी डबल बॉन्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे CH3CO+ जाएगा साथ में, आपको थोड़ा सा एक प्लस ऊपर से चढ़ाना है CH3CO+ या CH3 से लिख सकते हो। अटैक करने के बाद खुद आके जुड़ जाएगा इसके ऊपर और प्रोटोन को रिलीज करेगा, तो ये क्या बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो है ये बना देगा, ये जो ग्रुप है ना ये पूरा जुड़ेगा इसके ऊपर आके और साथ में H+ को रिलीज करेगा। वही स्टेप है, वही H+ फिर इसको अटैक करेगा, ये जो AlCl4- है उसको अटैक करके दोबारा इसे रीजनरेट करेगा कैटलिस्ट है। क्या हो जाएगा AlCl4- यहाँ पे रह गया है मेरा और यहाँ पे H+ रिलीज हो गया है, दोनों मिलके फिर AlCl3 बनाएंगे और साथ में HCl बाहर आ जाएगा, ये जो HCl है ये वाला HCl और AlCl3 जो है वो रीजनरेट हो चुका है और मेरा जो प्रोडक्ट है ये वाला भी यहाँ पे बन चुका है। दिस इज द एंटायर रिएक्शन। इसका और एक रिएक्शन आपको बता देती हूँ, आपको वो भी हेल्प कर सकता है। अब वो बोलेंगे बेंजीन टू एसिटोफेनॉन बोलेंगे तो आप इसको यूज करोगे बेंजीन टू एसिटोफेनॉन, ध्यान रहे। अब आपको बताऊंगी मैं बेंजीन टू बेंजोफेनॉन कैसे बनता है। देखना अभी कितना टाइम बचा है, वो यस कितना टाइम बचा है, खत्म हो जाएगा अभी, इसलिए बोल रही हूँ लास्ट है ये। कितना टाइम बचा है और इस सेशन के लिए 5-10 मिनट बचा है क्या? 14 मिनट बचा है बोल रहे हैं, 14 मिनट्स मैम। यस 10 मिनट से ज्यादा बचा है अभी तो। अच्छा आराम से हो जाएगा। चलो फिर मैं आपको बता दिया मैंने बेंजीन को एसिटोफेनॉन डायरेक्ट कन्वर्जन आता है, एग्जाम में हाई स्कोरिंग है, ये क्वेश्चन को छोड़ते तो भी आएगा, सीधा आपको बेंजीन को एसिटोफेनॉन में कन्वर्ट करो, सीधा बेंजीन में ये डालो, तभी आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए घर में, आपको थोड़ा प्रैक्टिस जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है उसे दोबारा एक बार पेन एंड पेपर लेके घर में लिख सकते कन्वर्जन वगैरह। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन पढ़ा कन्वर्जन, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन पढ़ा, बेंजीन टू सल्फोनिक एसिड पढ़ा, बेंजीन टू टॉलुइन का कन्वर्जन पढ़ा और लास्ट है बेंजीन टू एसिटोफेनॉन का भी कन्वर्जन हमने पढ़ा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बदले और एक रिएक्शन भी होता है जो कि सिंपली बेंजीन को एसिटोफेनॉन में कन्वर्ट करता है, तो वो रिएक्शन पे चलती है। सेकंड रिएक्शन जो है, अगर मेरे पास बेंजीन है और साथ में मैं ये ग्रुप नहीं लेके मैं एक एनहाइड्राइड लेती हूँ, आपको एनहाइड्राइड पता है ना क्या होता है एनहाइड्राइड, आपको मैंने बताया ये एनहाइड्राइड होता है। अभी आपको अगर पूरा याद नहीं आ रहा है अभी के लिए आप इसे लर्न कर सकते हो, ये एनहाइड्राइड ग्रुप आप याद करो, जब आपको मैंने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो एनहाइड्राइड के बारे में हमने पढ़ा था, हमने प्रॉपर एनहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में O आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एनहाइड्राइड ग्रुप।
अच्छा ये जब रिएक्शन दिखाएगा एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, इस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ये। अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो चाहे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से CH3CO ग्रुप जो है CH3CO ग्रुप ये जुड़ जाएगा ऊपर आके, कहाँ पे जुड़ेगा ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ये आके यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये वाला जो ग्रुप है ना यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, तो CH3CO प्लस जो निकलेगा वो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। और साथ में आपको बताती हूँ, साथ में CH3COOH इथेनोइक एसिड बाहर आएगा, तो आपको बोलेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन रिंग रिएक्ट्स विद एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर बाय चांस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे देंगे तो आप ये रिएक्शन को भी याद कर लो, ये है भी एनसीईआरटी में, एक बार पढ़ लेना से। तो बेंजीन एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में भी मैं बताती हूँ, ये है बेंजीन, ये है एनहाइड्राइड, ठीक है, और ये हो गया एसिटोफेनॉन और ये एथेनोइक एसिड मेरा बाहर आ जाएगा, तो इसमें भी एसिटोफेनॉन कन्वर्टन होता है। आप चाहे कुछ भी दिखा सकते हो, मोस्टली आपको ये दिखा रहा है एग्जाम में, अगर पूछा जाए बेंजीन टू एसिटोफेनॉन, दोनों ही बेंजीन टू एसिटोफेनॉन है, ये भी बेंजीन टू एसिटोफेनॉन है। एंड दिस रिएक्शन इज इजियर टू लर्न, ये वाला जो ऊपर का है क्राफ्ट जो एसाइलेशन रिएक्शन है, ये आप दिखा सकते हो, क्लियर है ना, डन है, 100% डन है। तो आपका सारा रिएक्शन हो गया है, पर एक एडिशन रिएक्शन बचा हुआ है, तो आपने आज जो कुछ भी पढ़ा कल इसका रिवीजन पूरा चलेगा, कन्वर्जन वगैरह प्लीज ध्यान देना, ठीक है, कि किस तरीके से हम कन्वर्जन में चलेंगे। अब आप बाकी दो रिएक्शन से खत्म कराते हैं, 10 मिनट बचा है, हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, तो ये हो गया है, डन है। आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बेंजीन को ना बेंजोफेनॉन में कन्वर्ट करो, तो आपको थोड़ा बता देती हूँ मैं, ये रख कर लेते हैं नीचे वाला, आपको बोलेंगे ये तो बेंजीन टू एसिटोफेनॉन है, ध्यान रहे ये बेंजीन टू एसिटोफेनॉन है, आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोफेनॉन, तो बेंजीन तो ये है, इसको कन्वर्ट किसमें करना है आपको, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेंजोफेनॉन में। बेंजोफेनॉन क्या है, आपने यहाँ पे COCH3 डाला था, आपको COCCH5 डालना है और एक फिनाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कीटोन के साथ, एक फिनाइल ग्रुप रहेगा दैट इज नोन एज बेंजोफेनॉन। यहाँ पे कीटोन के साथ मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे कीटोन है उसके साथ एक फिनाइल ग्रुप जुड़ेगा प्रॉपर, C6H5 है यहाँ पे, तो हम इसे कहते हैं बेंजीन टू बेंजोफेनॉन कहते हैं, दिस इज माई बेंजीन टू। आपको सारा बता देती हूँ जो भी आपको दे सकते हैं, बेंजोफेनॉन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मुझे लेना है C6H5C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे मुझे CH3CO ग्रुप डालना था तो मैंने CH3COCl लिया, यहाँ पे मुझे C6H5CO ग्रुप डालना है तो मैं C6H5COCl ले लूंगी, ठीक है, जो भी डालना है साथ में Cl डाल दो, जो ग्रुप आपको डालना है उसके साथ Cl ले लो आप, ठीक है, this is benzene oil chloride, this is ethanoyl chloride, this is benzene oil chloride, just a minute, ha ho gaya, this is benzene to benzene oil chloride ho gaya ye, theek hai, aur ye ho gaya anhydrous AlCl3, mujhe yahan pe bhi dalna padega, to aise mein kya hota hai, aapko bolenge convert benzene to, आपको पूछा जाएगा यहाँ पे आपको सी डबल बॉन्डों के साथ इथाइल ग्रुप का डालना है, तो किस तरीके से करोगे, वन फिनाइल
आपको, खैर वो तो हम कल करेंगे रिवीजन जब करेंगे, आपको बहुत बड़ा बड़ा टर्म अभी अगर बताऊंगी ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बाकी धीरे धीरे कल हमारा रिवीजन भी चलेगा, अगर हम डाउट क्लियरिंग भी क्लास देंगे तो प्रॉपर आपको और भी कन्वर्जन सारा मुझे कराना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या देखा, बेंजीन टू एसिटोफेनॉल में हमने सिंपली एक ग्रुप डाल दिया आपका इथेनॉल क्लोराइड डाल के, हमने प्रोसीड कर लिया और मेरा बन गया। और यहाँ पे बेंजीन टू बेंजोफेनॉल सिंपली आपको बेंजोइक क्लोराइड डालना है बेंजीन के साथ, अगेन AlCl से डाल के आप रिएक्शन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फ्रिडिस क्लॉप एसाइलेशन, बाकी दो रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन में हम चलते हैं अभी और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में किस तरीके से हमें जाना है, ठीक है, ये मैं आप कर लो फिर अगर डन है तो देख लो। जस्ट मिनट बच्चे, हाँ जस्ट जस्ट मिनट, हाँ एक मिनट मैं थोड़ा सा मैम आपका माइक म्यूट है। अच्छा 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 मैम रीजन करना है। हाँ क्या हुआ बेटे? मैम रीजन कितना टाइम बचा है? और मैम अभी बचा है 5 मिनट। 5 मिनट बचा हुआ है, नहीं एडिशन रिएक्शन मुझे दिखाने के लिए तो कम से कम 10 मिनट चाहिए, दो रिएक्शन दिखाऊंगी मैं अभी। हम रीजन तो एक काम कर, आ जाओ आ जाओ आप 10-15 मिनट के लिए आ जाओ, चैप्टर खत्म कर देंगे, पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो मैं फिर लीव कर रही हूँ और फिर मैं कल नहीं आऊंगी, ठीक है। मैं लीव कर रही हूँ, आप दोबारा आ जाओ, मैं भी आपको फिर एडिट कर दूंगी। मैं कल नहीं, हाँ यस बेटा बोलो। मैं कल नहीं आऊंगी बिकॉज मेरा ट्यूसडे को पेपर है। कल नहीं आओगी तो मैं अभी खत्म करा देती हूँ ना, दो रिएक्शन जो है अभी आ जाना, ठीक है। डर डर है ना, अभी आ जाना, अभी ठीक है, अभी आ जाना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ।